सो नेक्स्ट आसन है ससक आसना. कैसे करते हैं? तो दोनों हैंड्स अप करना है, शेक, इनहेल, एक्सहेल डाउन, बैक स्ट्रेट करके नीचे करना है. होल्ड कर सकते हो 20 to 30 seconds. अगेन अगेन शेक, इनहेल, एक्सहेल डाउन. अगर आप थोड़ा नीचे जा पाओगे तो चलेगा, पर हिप्स से अप होके नीचे नहीं आना है. हिप्स एंड लेग्स के साथ में टच में चलिए, भले आप इतना ही घूमना कर पाओ. एंड होल्ड 20 to 30 seconds. एंड स्लोली अप. 2 to 3 times कर सकते हो एंड 5 times भी कर सकते हो. इससे बैक पेन कम होता है एंड डायबिटीज के लिए बेस्ट है. थैंक यू. योग मुद्रासना. योग मुद्रासना कैसे करते हैं? सो राइट लेग बेंड करके लेफ्ट लेग पे रखना है एंड लेफ्ट लेग राइट लेग पे. पहले पद्मासन करना है, उसके बाद लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड. इनहेल करना है, इनहेल करके पेट को अंदर ले जाना है, ब्रीथ को होल्ड करना है, देन डाउन जाना है. आप स्टार्टिंग में 10 to 15 seconds होल्ड कर सकते हो और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हो सेकेंड ज्यादा होल्ड कर सकते हो. सो अगेन फिर से बताते हैं, इनहेल लेफ्ट हैंड राइट हैंड. चार से 5 times करो, बेस्ट फॉर डायबिटीज. नेक्स्ट पोज इज वक्रासना फॉर डायबिटीज. तो ये कैसे करते हैं? लेफ्ट लेग बैंड किया है मैंने, राइट लेग से यानी उसके ऑपोजिट हैंड से मैंने दूसरे लेग को पकड़ा है एंड बैक साइड लेग. बॉडी पूरी ट्विस्ट होती है, ये स्पाइन के लिए भी अच्छा है एंड स्टमक के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज के लिए बेस्ट है. आप होल्ड कर सकते हो 20 to 30 seconds एंड स्टार्टिंग बिगिनर्स हो तो वो 10 to 15 seconds. सेम चीज दूसरी साइड रिपीट करेंगे. अभी जो मैंने राइट लेग बैंड किया तो उसका ऑपोजिट हैंड से पकड़ूंगी एंड बैक साइड होल्ड करना है जितना होल्ड कर सकते.